Hi guys and welcome back to the channel for yet another super duper amazing review video. So ये है guys जिसका आज होने वाला है review title आपने लोगों ने देख ही लिया है and obviously बात है उसी particular title को देख के आप इस particular video के अंदर jump करके आए हो right? So ये है guys Digitech की LED ring light जिसका model number है 15C RGB. ये guys yes RGB वाला model है यहाँ पर and अभी आप जो lighting देख रहे हो मैं आपको बता दूँ मैं अपना यहाँ पे Sony ZV-E10 यूज़ नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना ASUS 6Z जो कि स्मार्टफोन है एंड जो भी आप लाइटिंग देख रहे हो इस पर्टिकुलर शॉट में वो इसी पर्टिकुलर लाइट से आ रही है. सो कैसा लग रहा है पहले बताओ कैसा लग रहा है. इमेज ठीक आ रही है या ओवरब्लोन हो रही है या थोड़ी पावर ज़्यादा है. मैंने वैसे जिससे भी ये कहा इसकी फुल ब्राइटनेस है एंड लाइट हार्डली यहाँ तक है. मेरा हाथ भी पूरा सीधा नहीं हुआ आपने नोटिस किया. ये हाथ पूरा सीधा एंड ये यहाँ तक ये यहाँ पर लाइट है. सो इतनी दूर है. सो अगर मैं इसको भी फुल ब्राइटनेस पे है एंड इसके अंदर तीन मोड आते हैं जो हमारा रहता है वाइट लाइट के अंदर. सो ये एक है नेचुरल लाइट, ये है वार्म. वार्म में कैसा हो गया ना तो ऑटोमेटिकली वाइट बैलेंस एडजस्ट हो गया है लेकिन आपने नोटिस जरूर किया होगा. सो अब कूल लाइट देखो ब्लूइश होते ही एंड नॉर्मल हो गया लेकिन लाइट ब्लूइश नहीं है. मैं आपको लाइट भी क्लैरिटी में दिखाऊंगा पहले थोड़ी सी बातें शातें कर लेते हैं एंड उसके बाद चलेंगे आगे. सो मुझे ये नेचुरल वाइट कलर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था आपको भी नोटिस किया होगा. सो ये इसकी फुल ब्राइटनेस राइट. यस दिस इज़ द फुल ब्राइटनेस एंड अभी इसकी चलते लोएस्ट ब्राइटनेस पे. सो इसका काइंड ऑफ ये रिमोट यहाँ पे मेरे पास है तो एक बार यहाँ से चलते हैं नीचे. मैंने इसे उधर होल्ड किया हुआ तो ये है इसकी गाइस लोएस्ट ब्राइटनेस एंड आपने आप नोटिस कर रहे हो कि मेरी फोटो शक्ल कैसी हो रही है राइट यहाँ पर तो अच्छा है. एंड इसके अंदर भी यहाँ पे हल्का सा मुझे लग रहा है कि कैमरा में स्पॉट बन रहा है जबकि लाइट इस टाइम पे ख़त्म है बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है. सो एक एक करके चलते हैं ज़रा. तो चार या पांच स्टेप्स में चलती है एक दो तीन. अच्छा नीचे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 6 या 7 मोड्स हैं मतलब ब्राइटनेस के जंप पे. तो अभी यहाँ पर ये बिल्कुल फुल ब्राइटनेस के अंदर आ चुकी है. सो मुझे लगता है कि ये मेरे स्मार्टफोन के सेंसर के लिए थोड़ी ज़्यादा लाइटिंग यहाँ पे हो रही है क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा यू नो स्पॉट एकदम बेकार हो रहे हैं. तो 1 2 3 4 5 6 आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है राइट. सो अब अगर मैं गाइस इस लाइट को आपको हिस्ट्री बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से इसे यूज़ कर रहा हूं. मुझे काफ़ी ज़्यादा महीने हो गए. सो इसका बेसिकली मैंने जो लिया था इस लाइट को ये ली थी खाली आरजीबी फंक्शन के लिए क्योंकि जो मेरे पास एक और मेन लाइट है बड़ी लाइट वो 18 इंच का डिजिटल का ही मॉडल है. उसका भी आपको रिव्यू दूंगा अभी उसका भी बताऊंगा कि क्या उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं क्या उसके अंदर बेकार चीज़ें. सो इस पर्टिकुलर लाइट की अगर मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं सोचा हूँ कि लाइट को ज़रा फ्रेम में ले लेते हैं तो फ्रेम में फिर मेरी शक्ल थोड़ी सी अलग हो जाएगी लेकिन लाइटिंग हमारे पास बहुत है. सो दूसरी चीज़ें सो फ्रेम में लेने के बाद मैं बात करता हूँ. तो गाइस लाइट हमारे फ्रेम में आ चुकी है जैसे कि आप देख ही रहे हो एंड दूसरी लाइट भी मैंने ऑन कर दी है ऊपर एलईडी. सो ये गाइस 15 इंच का मॉडल है. सो 15 इंच का यू नो डायमीटर होता है. सो ये अपना वाइट लाइट के अंदर है. सो इसके अंदर ये वायर्ड रिमोट ही साथ में आपको देखने को मिलेगा. अगर मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाऊँ क्लोजअप शॉट्स आपको सारे मिल जाएंगे. सो टेंशन नहीं लेने का मेरे साथ जब वो पूरी की पूरी फुल्ली डिटेल रहेगी. सो इसके अंदर ये जैसे ऑफ कर दिया इस पर्टिकुलर लाइट को मैंने तो कुछ इस तरह के दिखती है. ये स्मार्टफोन होल्डर आता है साथ में एंड ये फ्लेक्सिबल है जैसा मर्जी आप इसको एडजस्ट करो. देन लाइट स्टैंड इज आल्सो विद इन द बॉक्स. बट जो उसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो ये हल्की है थोड़ी मतलब स्पेशली अगर मैं 18 इंच वाले मॉडल से कंपेयर करूँ उसका लाइट स्टैंड देखूँ तो उसमें आरजीबी नहीं है इसमें आरजीबी है. दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग. बट द लाइट हल्की है एंड मेरा जो छोटा सा 2 साल का बेबी है वो इससे सबसे ज़्यादा खेलता है स्पेशली इसके आरजीबी मोड से. सारे मोड उसको बटन दबा दबा के चलाते हैं सर लेकिन फिर जब वो बोर हो जाते हैं तो इसको पटक भी देते हैं नीचे. सो कि काफ़ी बारी गिर चुकी है. अब नोटिस शायद करोगे यहाँ पर आपको कुछ क्रैक्स दिखेंगे. सो ये बार बार खुल जाती है एंड लाइट अंदर से जो है जहाँ पर फ्रेम में लगी होती है वहाँ से मैं निकल आई है. बट वो गिरने की वजह से हुआ वैसे नहीं हुआ तो वो कोई बात नहीं. लेकिन लाइट अभी भी जिंदा है दैट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि क्वालिटी अच्छी है. लेकिन यहाँ पे जो लाइट अंदर से है ना वो बाहर आ गई तो वो थोड़ी सी ना डॉट्स दिखते हैं तो कोई बात नहीं. तो इसके अंदर जो यहाँ पे बटन हमें देखने को मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 बटन हैं जिसके अंदर 2 तो आरजीबी के हैं 2 ऑन ऑफ है वाइट लाइट के लिए एंड वाइट लाइट के ही जो ऊपर टॉप पे बटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं अप एंड डाउन के लिए वो ब्राइटनेस के लिए हैं. अगर वाइट लाइट ऑन है अगर आरजीबी ऑन है तो वो आपकी स्पीड कम ज़्यादा करेगा इफेक्ट्स की तो वो चीज़ यहाँ पे है. एंड इसके अंदर वाइट स्ट्रिप अलग है और आरजीबी वाली स्ट्रिप अलग है. सो देयर आर 2 स्ट्रिप्स इनसाइड इट एंड आप चाहो तो दोनों इकट्ठी भी ऑन कर सकते हो जैसे कि ये आरजीबी वाली ऑन हो गई इसके साथ ही मैंने वाइट ऑन कर दी तो दोनों आपको नोटिस करोगे तो दिखाई देगी चलती हुई. मैं ज़रा एक बारी फोकस मारता हूँ आपको नोटिस करना. दिख रहा है ना ये चीज़ गाइस मैं कह रहा था तो उसका ज़रा ऑटो फोकस यहाँ से फिक्स फोकस हटाए तो ये चीज़ इफेक्ट काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे. सो अभी ज़्यादा क्लैरिटी में मैं आपको दिखाऊंगा टेंशन नहीं है.
एंड ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने नोटिस किया है इट इज़ डिसेंटली ब्राइट एंड 30 वॉट्स का आउटपुट रेटेड है, बट एक्चुअली बताऊँ 30 वॉट का आउटपुट फील नहीं होता, डिसेंट है, 30 वॉट का बराबर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 वॉट के आसपास होगा एक्चुअल में, हो सकता है 30 वॉट्स कंज्यूम कर रहा हो बट जो आउटपुट फील होता है ना वो नहीं होता, क्योंकि जो हम LED बैटन्स यूज करते हैं 20 वॉट्स वाला उससे तो पूरे कमरे में लाइट हो जाती है राइट, इससे नहीं होती डिस्पाइट बीइंग 30 वॉट इससे नहीं होती, तो एक वो चीज़ है, बाकी ओवरऑल ठीक है। एंड ये सबसे अच्छा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको ऐसे वॉल की तरफ फेस कर दो तो एक काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पे बनता है, अगर मैं ये लाइट ऑफ करता हूँ तो इस टाइप से, एंड एक यहाँ पे फ्रंट पे एक लाइट लगी हो मेरे फेस पे, तो आप नोटिस करो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। इस पर्टिकुलर लाइट का यू नो मीनिंग ही ये है ना, मेरे फेस पे नोटिस करो राइट, इस पर्टिकुलर लाइट को मैंने इसीलिए लिया था कि ये आपको बैकग्राउंड लाइट के हिसाब से चाहिए, लेकिन हाँ इट इज़ अ प्रीटी डिसेंट वाइट लाइट एज वेल, अगर आप यूज़ करना चाहो तो यू कैन यूज एक्चुअली, एंड इट इज प्रीटी ब्राइट, मतलब मेन ये है कि आपको कैसे यूज़ करना है इसको वो चीज़ मैटर करेगी, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, अदरवाइज आप यू आर बेटर ऑफ विद 18 इंच मॉडल। ये है गाइस इसका लाइट स्टैंड डिजिटेक ब्रांडेड, बस इसकी जो है तो ये कंस्ट्रक्शन मेटल की, लेकिन उसके बावजूद ये इतना यू नो सॉलिड नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड ये इसके हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम दे रखा है, तो जस्ट इन्हें ट्विस्ट करना है एंड अपने हिसाब से जितना आपको खींचना है उतना आप इसे खींच लो तो ये खुल जाता है। सो इसकी हाइट बॉक्स पे मेंशन है कि ये 5 फीट तक जाएगा एंड ये डेफिनेटली 5 फीट तक जाता है, एंड रिंग लाइट की अगर हम ऐड करते हैं तो ये आराम से 6 फीट क्रॉस कर जाता है, विच इज अ प्रीटी फैंटास्टिक थिंग, है ना, गुड हाइट, प्रीटी गुड हाइट। तो अगर आप बॉक्स पे हम देखें तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जस्ट स्टैंड की क्वालिटी मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी और अच्छी होती तो मज़ा आ जाता, बाकी ये थोड़ा सा लुच काइंड ऑफ है तो इसको ना रख दो तो ठीक है। ये इसके अंदर पैकेज के अंदर क्या क्या सामान आ रहा है वो, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखी है, ये 30 वॉट जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर 30 वॉट ना एक्चुअली फील नहीं होता, डिसेंट है, इट इज ब्राइट एनफ बट 30 वॉट वाली फील नहीं आती, तो मैक्सिमम लोड जो स्टैंड है वो 5 kg ले सकता है। सो इसके अंदर जो रिमोट है ये वायर्ड ही आता है, ये रिंग लाइट के साथ अंदर से अटैच्ड होता है, एंड यहाँ पे हमें सिर्फ USB वोट मिलता है, इसके साथ अडाप्टर नहीं आता, यू हैव टू बाय द अडाप्टर सेपरेटली, बट एक फायदा है ये पावर बैंक के साथ चलता है, तो 30 वॉट्स, ये RGB के मोड्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि जैसे ये एक कोल्ड शू माउंट यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आप अपना माइक वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, प्लस तीन थ्रेड्स हैं इसके अंदर जो क्वार्टर इंच वाली होती है, तो आप कई सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हो। सो टाइम है गाइस अब एक वर्डिक्ट का, सो आप इसकी हाइट अभी देख ही रहे हो ना, तो ये ऑलमोस्ट 6 फीट पे है, 6 फीट पे नहीं, 6 फीट मेरी हाइट एक्चुअली 6'4" है, तो ये मेरे से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही है, यहाँ पे बराबर है बिल्कुल। सो स्टैंड की हाइट है 5 फीट, रिंग की 15 इंच और मिला लो तो वैसे देखा जाए तो सही हाइट हो गई, एकदम बढ़िया राइट। एंड इसके जो सबसे अच्छा फीचर है वो है RGB वाला, एंड वाइट लाइट इज प्रीटी डिसेंट टू, बट मैंने इसको, मैं अपना बताऊं तो मैंने इसको खाली RGB के लिए लिया था, एंड दैट एक्चुअली नॉट डिसअपॉइंट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मोड्स हैं, प्लस आपको स्टिल कलर्स चाहिए तो स्टिल कलर्स भी हैं, 7 आई थिंक स्टिल कलर्स हैं, देन 7-8 टोटल इफेक्ट होंगे, तो टोटल आई थिंक 14 के आसपास आपको RGB मोड्स मिल जाते हैं, सो दैट इज़ अ प्रीटी गुड थिंग, एंड फॉर द प्राइस ऑफ अराउंड 1700 जिसके अंदर पूरा सेट मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्टैंड अलग से लेना है या कुछ भी चीज़ अलग से लेना, जो आपको दिख रहा है वो मिल रहा है, जैसे कि आपकी रिंग लाइट, देन ये फोन माउंट फ्लेक्सिबल वाला, देन बॉल हेड, यहाँ पर जो बॉल हेड लगा हुआ है, देन ये पूरा 5 फीट ऊंचा स्टैंड, ये सारे का सारा सेट एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आएगा, जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया था द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, एंड शायद थंबनेल भी उसी के साथ है। सो मेरे हिसाब से तो इट्स अ प्रीटी गुड डील, एंड एक चीज़ और है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इज ऑल्सो प्रीटी डिसेंट, क्योंकि मेरे छोटे बेबी ने इसको 15 बार ही फेंका होगा एंड उसके बावजूद ये जिंदा है। हाँ, बॉडी में थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं, एक इधर है एक अंदर की साइड है, एंड ये खुल जाती है एंड वापस से बंद हो जाती है, दैट इज़ अ प्रीटी गुड थिंग, एंड जो अंदर प्लेट है इसकी RGB की वो हिल गई है, सो यहाँ से मुझे ठीक करनी है, वो मैं कभी ना कभी तो देखो कर ही दूंगा, बट अभी चल रही है तो मैं चला रहा हूँ, छेड़ना मेरी एक्चुअली फितरत में है नहीं कोई चीज़। सो ऑन दैट बॉम्बशेल, सो दैट्स दी माई रिव्यू ऑफ दिस डिजिटेक RGB 15C मॉडल, सो लिंक नीचे है, इनकेस आपको अच्छी लगी हो तो यू कैन बाय इट, एंड होपफुली इट विल लास्ट मी प्रीटी लॉन्ग, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 1 साल तो नहीं हुआ है ऐसे, लेकिन 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 6-7 महीने हो चुके हैं, एंड चल रही है, बढ़िया चल रही है। तो चलो गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर, चलती रहियो, ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं, बाय बाय।